ज रोहित गर्जा एंड दिस सीरीज इज कॉल्ड टू द पॉइंट एक ऐसी जहां पे हम लोग अफेयर्स को डिस्कस करते हैं टू द पॉइंट तरीके से फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन तो ऐसे सवालों को डिस्कस किया जाता है ऐसे टॉपिक्स को निकाला जाता है कि जो आपके प्रिलियम्स के अंदर पूछे जा सकते हैं एंड इनकेस यू विश टू कवर करंट अफेयर होलिस्टिकली देर इज दिस कोर्स विच इज ऑलरेडी गोइंग ऑन आई एल टेल यू अबाउट द कोर्स विच इज ऑलरेडी गोइंग ऑन एट द एंड ऑफ दिस वीडियो and before that i would like to tell you that abhimanyu ias is a platform which prepares you for your upsc and various pcs examinations it has more than 23 years of experience and has given out more than 2200 positive results since 1999 See, आज का जो हमारा टॉपिक है अगेन प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका कुछ कुछ पार्ट इंपॉर्टेंट है और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अलग पार्ट इंपॉर्टेंट है तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ देखते हैं

जिसके बाद में वो जो है न्यूज कवर हुई थी कि, कि कुकी चिन रिफ्यूजीज जो वहां से आए हैं उनको पुश बैक किया गया है जो कि मिजोरम बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर बीएसएफ के थ्रू हुआ है ये ये तो उसके बाद में जो ये न्यूज है वो आम जनता तक पहुंची है वो हमारे तक पहुंची है और हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है अभी हम देखते हैं चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कुकी चिन एज कम्युनिटी क्या है है ना और ये क्राइसिस क्या है और इसकी वेव्स कब कब आई हैं और थोड़ा सा और इसके बारे में जानते हैं लेट स्टार्ट कुकी चिन इट्स अ क्रिश्चियन कम्युनिटी फ्रॉम बांग्लादेश हिल है ना अब देखो यहां पे आपका प्री का सवाल सीधे सीधा आएगा कि कुकी चिन विच ऑफ इज ट्रू अबाउट कुकी चिन रिफ्यूजीज है ना और उसमें से एक ये लिखा होगा कि इट्स अ मुस्लिम कम्युनिटी फ्रॉम बांग्लादेश और हमें पता है कि बांग्लादेश के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी की परसेंटेज काफी हाई है तो उसके बाद में अगर आप ये देखोगे इतना भी आपको याद है कि यार बांग्लादेश के रिफ्यूजीज हैं ये जो कि मिजोरम साइड पे आ रहे थे तो एक माइंड कहीं कहीं और और जा सकता है तो दैट इज वाई ये फर्स्ट पॉइंट हमने यही डाला है कि इट्स अ क्रिश्चियन कम्युनिटी ये काफी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रॉम बांग्लादेश चिटाकॉन्ग हिल ट्रैक्स है ना विच शेयर क्लोज एथनिक टाइज विद पीपल इन मिजोरम ठीक है तो नेक्स्ट देखते हैं जो तो पहला ट्रांच जो पहली वेव इसकी आई थी हमारे रिफ्यूजीज की

और थोड़ा सा और कॉन्टेक्ट देखते हैं इसमें कि द मिजोरम गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द सेटिंग अप ऑफ देंरी शेल्टर्स एंड अदर इमिटीज फॉर द कम्युनिटी है ना फॉलोइंग एन एक्शन में जो बांग्लादेश की रैपिड एक्शन बटालियन है उन्होंने कुछ इंसर्जेंट सर्जेंट के खिलाफ इस ग्रुप के तो कुछ एक्शन किया था उसके बाद में जो आपकी रिफ्यूजीज की जो वेव है वो इधर को आ रही है और उसके बाद में बीएसएफ ने इसको पुश बैक किया था वो कम्युनिटी कौन सी है क्रिश्चियन कम्युनिटी है और कहाँ बिलोंग करती है बिलोंग्स टू बांग्लादेश और उनके एथनिक टाइज मिजोरम में भी मौजूद है चलिए अब देखते हैं कि इनकी uh, roots, इस इंसर्जेंसी की जो वहां पर तो, होती है जहां पे एक अलग से अटोनमी uh, डिमांड की जाती है या लैंड uh, डिमांड की जाती है कुछ भी डिमांड किया जाता है तो वहां पे जो रूट्स होते हैं वो यू कैन दिस पर्टिकुलर थिंग विच इज एथनिक आइडेंटिटी कि आप आइडेंटिटी uh, आपकी बिलोंगिंगनेस सबके वजूद पे जब खतरा होता है रियल और परसीव्ड मैटर लेकिन जब के वजूद पे खतरा आता है तो इस टाइप की चीजों को जो है बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा फ्यूल मिलता है, बहुत बढ़ावा मिलता है है बढ़ावा चलिए आगे देखते हैं फर्स्ट वॉज द डिमांड फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन सोनली फॉर ग्रुप बिलोंगिंग टू देर एथनिक फैब्रिक इसका क्या मतलब हुआ मीनिंग द ड्रीम टू फॉर्म कुकी लैंड अगेन एक एक अटोनमी एक सेपरेट लैंड फॉर्म करने की जो बात है वहां पे वो वाली डिमांड है सेकंड रीजन फॉर इंसर्जेंसी लाइज इन दी इंटर कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्स बिटवीन कूकीज एंड नागाज इन मणिपुर नॉर्थ ईस्ट का जब भी हम सिक्योरिटी को एनालाइज करते हैं या सिक्योरिटी एज ए सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं तो हमें यही देखने को मिलता है कि नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है हाउ कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर जैसे मानिए बहुत सारे ये लोकल ग्रुप्स हैं जी से नागा कुकीज एक्सेक्टर एक्सेक्टर जितने भी ग्रुप्स हैं इनके आपस में भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं प्लस ये सारे जो हैं एक फैब्रिक में रहते हैं जिसको फैब्रिक ऑफ लॉ कहा जाता है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ये सारे गवर्न भी होते हैं तो एक बहुत अजीब सी सिनेरियो रहती है नॉर्थ ईस्ट के अंदर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज वाई ये पर्टिकुलर करंट अफेयर भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर प्री एज वेल एज फॉर मेन्स और मेन्स में जिस हिसाब से कवर किया गया वो मैं आपको बेस मैंने पहले बताया कि वीडियो के एंड में आपको मैं थोड़ा सा जरूर बताऊंगा The Kuki-Naga conflict was started over securing identity and land as some Kuki inhabited areas coincided with Naga inhabited areas. तो जब आपके ख्यालात नहीं मिलते हैं ना और वहां पर आपके कुछ ऐसा सा होता है कि दो अलग ख्याल के लोगों के बीच में कॉमन जगह फिजिकल जोग्राफिकल जगह आ जाती है तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट के जो है आसार बढ़ जाते हैं और वही देखने को यहाँ पे मिले हुँ. wanting to dominate trade and cultural activities in those areas the two communities often engaged in violent standoffs jo ki aur communities ke beech mein bhi chalta hai north east mein with villages being torched civilians killed and so on to so, ye crisis ka kuch वैसा सा reason hai अब यहां पे जो हमारे लिए एक part important होता है for your prelim examination, वो ये वाला part है तो उससे पहले let me tell you about uh, करंट अफेयर कोर्स विच इज ऑलरेडी गोइंग ऑन जिसका मैं आपको बता रहा था अभी तो दिस इज द करीज वेल एज फॉर मेन्सो एक होलिस्टिकल जो प्रेपरेशन है वो आपको इस कोर्स के थ्रू कंप्लीट हो जाती है uh, जो टू द पॉइंट सीरीज है जिसको आप प्रॉबली यूट्यूब पे अभी देख रहे हैं तो so, ये वाली सीरीज टू द पॉइंट सीरीज के अंदर आपको सिर्फ प्रिलियम्स के करंट अफेयर मिलते हैं वो बहुत शॉर्ट में और हफ्ते के तीन यहाँ पे एवरीथिंग इज कवर्ड थ्री प्रॉम्प्ट स्ट्रेटेजी रहती है क्लास विच इज बाय मतलब वीक में दो बार होता है सैटरडे एंड मंडे जिसके अंदर प्रीवियस वीक जो भी निकल के गया है वीक उसके जो करंट अफेयर्स हैं वो सारे के सारे यहां पे कवर हो जाते हैं सेकंड यू गेट अ वीकली पीडीएफ तो वीकली पीडीएफ के अंदर आपको पिछले वीक का जितना भी करंट अफेयर होता है इंपॉर्टेंट वाला हाईली क्यूरेटेड फॉर्म में जिसके आस पास लगती जितनी रिसर्च होती है फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कमीशन आ गया है उसके ऊपर कुछ कुछ कहा गया है कुछ आई है रिपोर्ट तो कमीशन का ओरिजिन क्या है ये सब आपको एक जगह पे प्रिसाइसली मिल जाता है और पीडीएफ भी कुछ ज्यादा पेजेस की नहीं रहती है तो आपका वीकली पीडीएफ के थ्रू आपको मतलब करंट अफेयर जितने वेरियड सोर्स आप एक बंदा कितने न्यूज पढ़ सकता है जिसने स्टैटिक भी कवर करना है सब कुछ कवर करना है

गेट सेवन डेज फ्री ट्रायल तो चेक इट आउट लिंक इज डाउन देअ आप सेवन डेज का फ्री ट्रायल लीजिए एक बार आप क्लास की क्वालिटी चेक कीजिए एंड देन डिसाइड फॉर योर सेल्फ इंडिया का स्टैंड रिफ्यूजी क्राइसिस के ऊपर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सा रहता है नंबर वन इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी इंडिया इज नॉट अ सिग्नेट्री टू यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी कन्वेंशन ऑफ 1951 और उसका जो 1967 का प्रोटोकॉल है उसको इंडिया ने साइन नहीं किया हुआ है एंड नॉट रिकॉग्नाइज एंड रिक नॉट रिकॉग्नाइज रिफ्यूजीज ठीक है इंडिया रिफ्यूजीज को रिकॉग्नाइज नहीं करता है ऑफिशियली एंड अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स आर लाइबल टू बी प्रोसिक्यूटेड फॉर वायोलेटिंग दस एक्ट है ना तो अगर हम बाहर से कोई आ रहा है इंडिया में तो वो किन किन एक्ट्स के तहत इंडिया में आ सकता है दैट इज दिस वन

गवर्न होती है अनडॉक्यूमेंटेड फॉरनर नेशनल इंडिया के अंदर हाउ एवर इंडिया वुड बी एक्सटेंडिंग हेल्प टू रिफ्यूजीज कमिंग इन फ्रॉम बांग्लादेश ऑन ह्यूमेटेरियन ग्राउंड अब इंडिया टू बी वर्ल्ड लीडर है ना सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा है इंडिया तो हमको इस टाइप की चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा तो रिफ्यूजी क्राइसिस और इन सबको लोकल जो हमारी जियो पॉलिटिक्स है उसको ध्यान में रखते हुए हमें थोड़ा सा रिफ्यूजीज को तवज्जो देकर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और वैसे भी इंडिया की वैल्यूज कुछ और है इन सब चीजों को लेकर अतिथि देव भव यही का चलता है है ना तो वहां पे ह्यूमैनिटेर ग्राउंड्स के ऊपर इंडिया ने पहले भी किया इंडिया करता भी रहेगा तो इस तरीके से इस पूरे इश्यू को जो है इंडिया हैंडल कर रहा है लेकिन इंडिया इट्स नॉट अ सिग्नेटरी टू यूएन कन्वेंशन एंड ऑल फॉरन नेशनल डॉक्यूमेंट एज पर दीज एक्ट दैट वॉज ऑल फॉर टूडे एंड you're watching abhimanyu ias my name is rohit garcha do check out the course you get a 7 days free trial link is down there this is abhimanyu ias and you're watching to the point series